नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद है आप अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां मंडी के अंदर लगातार सरसों की आवक जोरों पर है और मंडी के अंदर सरसों के भाव और आवक जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ में यहां के व्यापारी निरंजन लाल गुप्ता जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज मंडी के अंदर सरसों की कितनी अराइवल है और क्या भाव है। सर, सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। बताइए कि मंडी के अंदर आज सरसों की कितनी आवक है और क्या भाव है। आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं अलवर मंडी आज में, आज हमारी सरसों की अराइवल 4,500-5,000 घंटे की अराइवल है। भाव 5130 रुपए बिका है। सरसों ज्यादा आने के भी कारण थोड़ा सा आज भाव बाजार अच्छा रहा। परसों कम अराइवल थी, इसलिए आज उसकी अपेक्षा में ज्यादा है। बट तेलों के भाव नीचे हैं, इसलिए डिस्पेरिटी होने से मिलों की माल बिकने में बड़ी कठिनाई सी होती है। सरसों तेज है, तेल मंदे हैं, इस हिसाब से लोगों को काफी तकलीफ है। फिर भी माल मंडी में आ रहा है तो बिक रहा है। अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की बात करें तो लगातार सरसों के अंदर कितनी आवक थी और क्या भाव थे। 2-3 दिन पहले बाजार में अराइवल भी 3-4 हजार कट्टा रह गई थी। अराइवलों के अलावा भाव भी थोड़े नीचे थे, तो हर आदमी बेचता तो था ही, लेकिन हालात कुल मिला के तेल नीचे भाव होने से मिल वाले बिल्कुल मन मार के सरसों लेते थे। कोई डिस्पेरिटी के हिसाब से सरसों लेते थे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि मिल वाले जो मन मार के सरसों ले रहे हैं, क्या कारण? बाजार में पड़ता नहीं है तेल, 104-105 रुपए किलो पड़ता है और उसके अपेक्षा में बिकता है 100-101 रुपए किलो। तो डिस्पेरिटी होने की वजह से बहुत ज्यादा मिल वाला मर रहा है। 80% मिले बंद हो गई हैं। हालात बढ़िया नहीं होने से, पड़ता का काम नहीं होने से मिल वालों थोड़ा दिक्कत में है। और धीरे धीरे करके ये बड़ी मिल जो भी सरसों बिक भी रही है, जो वो जिनके ब्रांड बिकते हैं, जिनकी पैरिटी है, वो लोग ही सरसों ले पाते हैं। अन्यथा हर आदमी जो टैंकर में तेल बेचता है उनका तेल बहुत नीचे बिकता है, इसलिए डिस्पेरिटी है। अभी विदेशी तेलों की अगर बात करें तो उनके भाव कम है, क्या कारण है? विदेशी तेलों के भाव बहुत टूटते जा रहे हैं। पिछले 3-4-5 रोज में 5-5 रुपए किलो टूट गया है। सोया जो एक दफे तो 98-99 हो गया था, 92-93 रुपए है। पान भी इस तरह से काफी टूटा है, 88-89 रुपए किलो वाला भी पान 84 रुपए रह गए। बाजार रोजाना टूटने में है, हालात कुल मिला के अच्छा नहीं है। इसलिए विदेशी तेल नीचे होने की वजह से हमारे जो लोकल के तेल हैं वो भी सब उनकी अपेक्षा मंद बिक रहे हैं। तो अभी अगर अपन सरसों की बात करें तो उतार चढ़ाव जो भाव में है वो लगातार देखा जा रहा है, तो ऐसा क्या कारण मानते हैं कि भाव में अभी जो है वो तेजी है, मंदी है? बाजार में तेजी तो अभी आने का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट परचेज पेपर कवरेज कंटिन्यू हरियाणा में तो बंद कर दिया है, बट हमारे राजस्थान में और सारे कई प्रदेशों में माल ले रही है गवर्नमेंट, तो उनके हिसाब से भाव रुका हुआ है। जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए, जिनके पास 25 क्विंटल से माल ज्यादा है, वो लोग जो है नेफेड को तोल रहे हैं 5650 रुपए में, उनका फिर भी अच्छा है। बाकी तो जो किसान बेचारे जो नहीं तोल सकते वो मंडी में लाते। तो अभी एमएसपी की अगर अपन बात करें तो क्या एमएसपी है, क्या भाव है? 5650 रुपए एमएसपी का भाव है और हमारी मंडी लोकल लूज का भाव 5100-5150 है। फिर भी जिनका माल नहीं नेफेड में तोल पाता है वो लोग यहाँ लाते हैं। जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए, जिनके माल तुल जाते हैं, जो पहुंचवान किसान है, जो अपना पूरा काम करके बता देते हैं, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उनका माल ही तुलता है। हर आदमी का माल वहाँ नहीं तुल पाता। अभी जैसे अपन बात करें तो सरसों की कोई स्टॉक भी किया जा रहा है, सरसों का खूब स्टॉक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जिन लोगों को मिल चलानी होती है, जिनके ब्रांड बिकते हैं, जिनके तेल 100 रुपए टीन ऊपर बिकता है जिनके ब्रांड का, वो लोग स्टॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको 12 महीना 30 दिन की मिलें चलती है। हर आदमी की मिल नहीं चलती है। जो लूज तेल बेचता है, जो टैंकर में तेल बेचता है, उन लोगों को मिलों में कोई पैरिटी नहीं आती। वो तो बेचारे धीरे धीरे करके इधर उधर से करके मिल तेल चलाता है और मिल चलाता है और तेल
बाजार में बेच देते हैं, नुकसान ही रहता है आखिरकार, कुल मिलाकर उनको बंद करनी पड़ती है मिले। तो क्या कारण रहा कि अब की बार मील बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सब विदेशी तेल है सबसे बड़ा कारण, तो विदेशी तेल नीचे है तो हमारा तेल कैसे है ऊपर हुए। गवर्नमेंट को चाहिए कोई सपोर्ट करे, व्यापारी इतना टैक्स दे रहे हैं इस साल इस महीने सबसे पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके जीएसटी कवरिंग आई है 210 करोड़ की टैक्स की वसूली हुई है देश में, इतना हो रहा है। व्यापारी खुल मिला के खूब बढ़िया ढंग से काम कर रहा है सब, ऐसी व्यवस्था। अभी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देखना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की जो लोकल जो फार्मर है उनके लिए या तो ड्यूटी लावे, या तो ड्यूटी लगावे विदेशी तेलों पर, जिससे हमारे यहाँ का तेल व्यापार पनपे और किसानों की फसल ऊंचे भाव में बिके। तो यानी कि कहने का आपका मतलब ये है कि मंडी में सरसों तो आ रही है लेकिन भाव कम है? भाव बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट का ही भाव 5650 है, तो यहाँ लोकल का भाव कम है ही और बहुत ज्यादा कम है उसकी अपेक्षा। तो ये गवर्नमेंट को इसको समय जो है दूसरे विदेशी तेलों से इसको बराबर लाना ही पड़ेगा, और बराबर लाएंगे तो वहाँ से जो ड्यूटी इम्पोर्ट आ रहे हैं उन पे ड्यूटी 40-50% करेगी तो इसके बराबर अपने इंडिजिनियस तेल के बराबर भाव हो जाएंगे उनके, फिर हमारा तेल। जी हमारे साथ में यहाँ के मंडी के व्यापारी निरंजन लाल गुप्ता जी थे, उन्होंने हमको यहाँ सरसों की आवक और भाव के बारे में हमको जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंडी के अंदर सरसों तो आ रही है लेकिन जो सरसों के जो भाव हैं वो बिल्कुल कम है, क्योंकि विदेशी तेल के जो भाव हैं वो भी कम है और अधिकतर जो तेल मिल है वो बंद होने की कगार पर है, क्योंकि तेल मिल जो है उनको तेल मिलरों को जो है सरसों के भाव अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। नितिन शर्मा, अलवर।